महाराष्ट्र में विपक्ष को अभी तक अपनी हार पर विश्वास नहीं हो रहा है और वे लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। अब राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा कि जब लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने 31 सीटें जीती तब ईवीएम सही थी। शिंदे ने कहा कि विपक्ष को महाराष्ट्र की जनता द्वारा दिए गए स्पष्ट बहुमत का स्वागत करना चाहिए। हमारी महायुति सरकार ने 2.5 साल में इतना काम किया है, इतनी योजनाएं लागू की, उसी का नतीजा है जो ये नतीजे आए। झारखंड में चुनाव हुए और वायनाड में भी, जहां भी वो जीतते हैं वहां ईवीएम अच्छी होती है। ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनिए। मैं इतना ही कहूंगा, विपक्ष को कि जो महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है उसका स्वागत करना चाहिए। एक पॉजिटिव उनका अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि हमारे 2.5 साल के महायुति सरकार ने इतना काम किया है, इतनी योजनाओं को लागू किया है, इतने प्रकल्प को आगे बढ़ाया है, और इसीलिए उसका परिपाक ये है। ये मैंने पहले ही कहा था, मैं, देवेंद्र जी, अजीत दादा, हम हर सभा में यही कहते थे कि हमने जो 2.5 साल में इतना ऐतिहासिक काम किया है कि इसकी स्वर्ण अक्षरों में इसका लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में। क्योंकि एक तरफ जो विकास के प्रकल्प बंद थे वो हमने शुरू कर दिए, दूसरी तरफ लोक कल्याणकारी योजनाएं हमने शुरू कर दी, और उसमें हर घटक को लिया है, लाडली बहना से लेके लाडले भाई से लेके लाडले किसान से लेके लाडले ज्येष्ठ से लेके सभी लोगों को उसमें सरकार ने योगदान उनका देखकर सहयोग किया है।